दुसहरा आखिर है कि रावण ब्राह्मण कुल नाल संबंध सी। रावण दा सौरा परिवार मंडसोर मध्य प्रदेश नाल संबंध सी। इत्थे दी होण करके रावण दी सुपत्नी दा नाम मंदोदरी सी। मंदोदरी नूं शिवजी ने वरदान दिता सी कि तेरा पति कदे मरेगा नहीं। होया कि जदों राम ने तीर मारिया तां रावण दी धुनी विचला अमृत सुक गया ते उह डिग गया। डिगण तो बाद राम ने लक्ष्मण नूं उपदेश लैण रावण कोल भेजिया। उस तो उपरंत कहिंदे ने रावण ने दसम दीवार राहीं शरीर छड्ड दिता। मंदोदरी ने शिवजी नूं पुकार कीती कि तुहाडे वरदान दा की होएगा। तां शिवजी कहिंदे पुत्री इह तां होणा ही सी, परंतु जद तक दुनिया रहेगी इहदा शरीर रहेगा। इत्थों अगे दो मानतावां हन। विभीषण ने रावण दा संस्कार करन तों मना कर दिता, परंतु राम ने कहा कि संस्कार कर, तेरा वड्डा भरा है ये। वाल्मीकि रामायण च रावण दे संस्कार दा जिक्र नहीं, श्री मंदर रामायण विच सिर्फ जिक्र है। तुलसी ने भी शायद जिक्र नहीं किया। हुण जद राम दे कहन ते विभीषण ने संस्कार शुरू किया तां रावण दी दे सड़े ही ना, बथेरी कोशिश की। विभीषण ने हजारा मन लक्कड़ रावण दे देह ते चुफेरे लाई ते आ गया, राज भाग विच मस्त हो गया। कई महीने बाद किसी ने दस्या कि रावण अजे भी नहीं सड़िया, फिर लकड़ा पा के आ गया। उदों तो रीत चली के ब्राह्मण कुल श्रोमणी रावण दा संस्कार सालां बाद कीता जाण लगा। कहिंदे किसी स्थान ते रावण दा शरीर अजे भी पिया है। ये हो रावण फूके जाते हैं, वो किसी हिंदू ज्ञानी विद्वान तो पुछे दसेगा ते ये रावण दा संस्कार हुंदा है, जिसनों अज्ञानी लोग रावण दा पुतला फूकना कह देंदे हन। ये परंपरा पहला सिर्फ लंका विच ही सी ते असी रावण दे देह नूं लकड़ां दे रहे हाँ। फिर मंदसौर वाले ने अपने प्यारे जवाई लई लकड़ां दान करनियां शुरू कीतियां। वह इस दिन पिंड दान अते तर्पण भी करते हैं अते रावण दे नाम की पूजा भी हुंदी है। हौली हौली होर लोगों ने पिंड ने शहर ने भी लकड़ दान शुरू कर दिती। 20वीं सदी च जदों ये काम हर पासे होने लगा तो कहानी बदल दिती कि यह तो बुराई तो अच्छाई की जित का प्रतीक है इत्यादि। दूजी परंपरा विच कहिंदे हन नाग लोग वाले रावण का शरीर चुक के लै गए हैं और संभाल के बैठे हैं अजे भी दवाइया ला के। किसी दिन शिवजी के वरदान अनुसार रावण दोबारा उठेगा।